आज विश्वव्यापी इस समस्या को लेकर हर कोई परेशान है, कोरोना से हर कोई जंग लड़ रहा है। इस बीच में कई संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी आज सड़कों पर आ चुकी है और युवा अपना योगदान दे रहे हैं। आप देख ही रहोगे मेरे पीछे कि किस तरह से यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। ये हमारे सांवेर नगर की एक संस्था है, संस्था मातृभूमि, वो RSS के सहयोग से ये लोग पूरे नगर में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आपको देखने में आ रहा होगा कि किस तरह से वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आज छिड़काव कर रहे हैं। आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, पंकज जी, उनसे जानकारी लेंगे कि किस केमिकल का छिड़काव यहाँ पर इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। सर जी, मेरा नाम डॉक्टर पंकज चौहान है। जो संस्था मातृभूमि के द्वारा जो ये कदम उठाया गया सांवेर को सैनिटाइज करने का, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और जो इसमें अपने सैनिटाइजेशन में जो इन्होंने सॉल्यूशन यूज़ किया है, इवन हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस है, फिनाइल है और कुछ इथाइल अल्कोहल भी इसमें मिला हुआ है। इसके कारण क्या होता है कि अपने कोरोना वायरस को मारने की ये एक तरीके की प्रक्रिया है, ताकि एक दूसरे से ह्यूमन से ह्यूमन जो कोरोना वायरस जो ट्रांसमिट हो रहा है वो एक दूसरे से ना हो। और संस्था मातृभूमि के द्वारा जो आज की तारीख में इन्होंने साबुन वितरित किए गए, कुछ मास्क वितरित किए गए, और ये बहुत ही प्यारा कदम उठाया गया है, ताकि हमारे सांवेर में कोई भी कोरोना का केस ना मिले। और मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ सांवेर की तरफ से, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा काम किया है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी कि इस छिड़काव से कितना फ़ायदा होगा लोगों को और इस वायरस को फैलने में रोकथाम होगी, और इसके लिए उन्होंने संस्था मातृभूमि को धन्यवाद भी दिया। हम भी दोपहर न्यूज़ की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और दोपहर न्यूज़ सभी लोगों से अपील करता है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इस लड़ाई में, इस जंग में सभी लोगों का सहयोग करें। सांवेर से मैं जितेंद्र सोलंकी, दोपहर न्यूज़ के लिए।